कृष्ण, भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में हो चुका था और उनके दर्शन के लिए शिव जी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भगवान कृष्ण के बाल रूप का दर्शन कर लिया जाए। तो उन्होंने एकल शुक्ल द्वादशी के दिन अलाक विजयन करते हुए गोकुल के द्वार पर पहुँचे। तभी नंद भवन से दासी आती और शिव जी कहते के लिए भिक्षा यशोदा मैया ने दिया है, ये रख ले और लल्ला को सिवा दे और चला जाए यहाँ से। तब शिव जी कहते मुझे ना तो भिक्षा की अपेक्षा है और ना किसी धन संपत्ति की, मुझे तो लल्ला को देखनी है। तब खिड़की से माँ यशोदा कहती है देख लल्ला का दर्शन तो नहीं करा मैं, क्योंकि तेरे गले में जो सांप है उसे देख कर लल्ला डर जाएगा। शिव जी बोलते देख मैया तेरे लल्ला तो काल का भी काल है और उसको किसी की दृष्टि लग भी नहीं सकती है। तब मैया कहती है देखो आप हट मत करो और यहाँ से चले जाओ। तो शिव जी बोलते जब तक दर्शन नहीं होगा यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, अगर नहीं दर्शन हुआ तो मैं यहीं समाधि लगा दूंगा। तब एक कृष्ण समझ जाते कि शिव जी आ गए, अगर उन्होंने यहाँ समाधि लगा ली तो हजारों वर्ष हो जाएंगे उसके बाद भी ये नहीं हटेंगे। तो उन्होंने उपाय सोची और जोर जोर से रोने लगे। तो माँ यशोदा परेशान हो गई, लल्ला अचानक से रो क्यों रहा है और चुप क्यों नहीं हो रहा। तो यशोदा बोला कि सच में यह कोई महान योगी है। तो उन्होंने शिव जी के पास ले और कहने लगे देख बाबा मैं लल्ला कितने जोर जोर से रो रहा। तो शिव जी बोले शिव जी के पास लगे, शिव जी ने प्रणाम किया भगवान को और दोनों की आंतरिक बातें हुई। और उसके बाद शिव जी ने कहा देख भैया मेरे गोद में दे, तो लल्ला का वो भविष्य जाना चाहती थी ना, मैं इसे बता दूंगा। तब शिव जी की यह मनोकामना भी पूरी हो गई और उन्होंने छोटे से नन्ना जी कान्हा जी को गोद में लिया और तब हरी और हरी मिल गए कि कौन बीच में आ सकता है। हरे कृष्ण।